नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अपने वीडियो में हम पांचवा चैप्टर यानी लासा और मासा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने इससे पहले JNB मैथ के चार वीडियो यानी चार पार्ट अपलोड कर दिए हैं, यानी चार पार्ट हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ये हमारा पांचवा लेसन है जिसमें लासा और मासा। आई होप कि आपको लासा और मासा निकालना आता होगा। ठीक है, देखिए, अगर आपको लासा और मासा निकालना आता है तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि लासा और मासा निकालने की दो विधियाँ होती हैं। लासा निकालने की दो विधि भागफल और गुणनखंड विधि। देखिए, दो विधि होती है, एक तो होती है भाग विधि। अगर हम लासा की बात कर लें तो चाहे वो लासा हो और चाहे वो मासा हो, इन दोनों को निकालने की दो विधियां बनी हुई हैं। और भागफल भाग विधि और गुणनखंड। ठीक है, देखिए, इन दोनों यानी लासा हो चाहे मासा, दो विधियों से निकाले जाते हैं। एक तो भागफल विधि से और दूसरा भाग विधि से, और दूसरा गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए, वैसे हम लोग लासा जहाँ तक निकालते हैं ना, तो हमें गुणनखंड विधि ज़्यादा समझ में आता है। हमें नहीं, बाकी सबको भी गुणनखंड विधि ही ज़्यादा समझ में आएगी। और इस किताब में ज़्यादातर प्रयोग हम गुणनखंड विधि का ही करेंगे, क्योंकि इस बुक में कहीं ज़्यादा भी भागफल विधि का प्रयोग लासा के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, और जहाँ तक रही बात मासा की, तो मासा आपको दोनों विधियों से आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो मासा है वो आपकी जो सवाल है, जो प्रश्न है, जो प्रश्नावली है आपकी, वो इस दोनों टॉपिक से है। यानी आपको कहता है भाग विधि द्वारा भी और गुणनखंड विधि द्वारा भी। बहुत बच्चों को भाग विधि सिंपल पड़ती है, बहुत बच्चों को गुणनखंड विधि, बट एक विधि तो आपको आनी ही चाहिए चाहे जैसे। ठीक है, तो लासा की भी आप एक विधि जान लीजिए और मासा की भी एक विधि जान लीजिए। तो आई होप कि आपको लासा और मासा निकालना आता होगा। ठीक है, गुणनखंड विधि से लासा निकालना बिल्कुल ही सिंपल होता है, बस आभाज संख्या से उसे काटते जाइए। ठीक है, अपने आप ही आ जाएगा। और उसके बाद मासा निकालना तो आपको आता ही होगा। मासा निकालना दोनों विधियों से ही सिंपल होता है, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। लेकिन ध्यान रहे, जो लासा होता है वो भाग विधि से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि हमारे इस पेपर में नहीं पूछा जाता। हाँ, कुछ परसेंटेज चांस होगा कि ये विधि आ जाए, बट वैसे ये विधि देता नहीं है। ठीक है, हमें अक्सर लासा गुणनखंड विधि से ही करना पड़ता है। ठीक है, और मासा तो आपको जो समझ में आए, चाहे आप भाग विधि अपना लीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि अपना लीजिए। लेकिन हम बता रहे हैं जहाँ तक हमें आता है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, तो आप लासा कभी भी भाग विधि से नहीं निकालिए, नहीं तो गलत हो जाता है। हमेशा गुणनखंड विधि का ही प्रयोग लासा निकालने के लिए करिएगा। और मासा तो आपकी मर्जी, मासा दोनों विधियों से ही सिंपल पड़ेगा, आपकी जैसी मर्जी। अगर आपको भाग आता है तो आप भाग विधि से कर लीजिए, अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए। गुणनखंड इससे पहले हमने आपको पढ़ाया, इससे पहले का जो चैप्टर था दोस्तों वो गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण ही था, उसमें हम आपको बताए थे गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि लासा और मासा निकालने की दो दो विधियां होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। अब दोस्तों देखिए, अभी तो ये सिंपल सिंपल लासा जैसे दिया रहता है, मान लीजिए जैसे दिया है कोई, हम यहाँ उदाहरण लिख के बताते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 12, 18, 24। ठीक है, अब इसका हमसे लासा पूछता है या फिर मासा पूछता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आप जानते होंगे, अगर हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड करते हैं। आप गुणनखंड करना अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम गुणनखंड करते कैसे हैं। गुणनखंड करना मैंने आपको बताया ये था कि पहले आप ये देखिए, जिस संख्या का गुणनखंड करने के लिए हमसे कह रहा है, तो उसका उसका वो उस संख्या को ये देखिए कि वो किस किस संख्या से कट जाएगी। ठीक है, वही गुणनखंड हो जाएगा। तो आप इन सब का जब लासा निकालेंगे तो इन सब का साथ में लेंगे। ठीक है, और जब मासा निकालेंगे तो अलग अलग निकाल लेते हैं ना। जो गुणनखंड विधि की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप गुणनखंड विधि से लासा निकालिए तो आप इन सभी का साथ में गुणनखंड करेंगे। और जब मासा निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं तो 12 का अलग करेंगे, 18 का अलग करेंगे, 24 का अलग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात थी कि ये सिंपल संख्या थी। ठीक है, अगर संख्या बटे में आ जाए तब हम क्या करें। ठीक है, तो अब देखिए, अगर संख्या बटे में आ जाए उसके लिए कौन सा फार्मूला, या फिर क्या करते हैं कि हमारा आंसर एकदम सरलता से आ जाए और हम पेपर में उस क्वेश्चन को छोड़ ना पाए, हम उसे भी हल कर ले। देखिए, कई बार होता है, आप जानते होंगे कि यदि आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन वो भी JNV की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भली भांति पता होगा कि पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का टाइम मिलता है।
ठीक है, तो बहुत कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, 2 घंटा बहुत बच्चों के लिए सही नहीं होता है, मतलब उन्हें और टाइम लगने लगता है, बट इस 2 घंटे में ही आपको सब कुछ करना रहेगा, आपको मैथ भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, हिंदी भी करनी है, और आप ये भी भली भांति जानते हैं कि 40 रीजनिंग आती है, 20 मैथ आती है और 20 गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं ना, तो 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं, और 2 घंटे में हमें हल करना रहता है। एक क्वेश्चन का 1.25 नंबर होता है, ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा। अगर आप JNV की तैयारी करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि अप्रैल में आपका पेपर होगा, ठीक है, तो अभी हम लोग के पास टाइम है, अभी हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो अब देखिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बात ये कर रहे थे कि ये तो सिंपल सा हो गया, सिंपल सा तो मान लीजिए मुझे आता है, अगर मैं नवोदय की तैयारी कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो जो बच्चा भी करता होगा उसे लासा मासा तो पक्का ही आ रहा होगा, ठीक है, या फिर पक्का हमें यकीन है इस वीडियो को जो देख रहा होगा उसे लासा मासा आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों कक्षा 4 या 5 में हमें लासा मासा निकालना बताया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब बटे में दे दे तब हम कैसे करें ना, तो देखिए जब बटे में दे देता है दोस्तों लासा निकालने के लिए, जैसे ऐसे मान लीजिए, देखिए जब बटे वाली संख्या का हमसे लासा निकालने के लिए कहता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 5/7, 25/42, 45/56, तो देखिए हमें इसका कह रहा है लासा निकालिए या फिर मासा निकालिए। अब होगा कि कई बच्चे परेशान हो जाएंगे, अब इसका लासा कैसे निकाले, हम तो सीधे सीधे अंकों का लासा निकालना सीखे। देखिए आप इसका, अगर आपसे लासा निकालने के लिए बोले, क्या बोले कि आप इसका लासा निकाले, तो हम फार्मूला लिखवा रहे हैं, लिखिए देखिए लासा जिसको हम लोग LCM कहते हैं, लासा बराबर होगा दोस्तों, अगर लासा बोलेगा ना तो आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर जो अंश होगा इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसको हम लोग हर कहते हैं, ठीक है, ये अंश है हमारा और ये हमारा हर है, तो ध्यान रहे जब आपसे लासा निकालने के लिए बोले, वो भी भिन्नों का, ठीक है, तो जब भिन्नों का लासा निकालने के बोलिए तो अंशों का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, अंशों का लासा बटे में हरों का मासा, हरों का मासा, ठीक है। देखिए जब आपसे हम फिर बता रहे हैं, देखिए हम इतनी बार यदि कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए जो जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए जो हमारी कोचिंग है ना वो भी इसी चीज़ की ही तैयारी कराती है, ठीक है, तो इस बार भी हमारे कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है, हम आपसे कभी उनसे भी मिलवाएंगे जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उन बच्चों से भी कभी मिलवाएंगे जो बच्चे यहाँ से JNV जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जब भिन्नों का हमसे लासा पूछ ले तो पहले हम करेंगे जो अंश दिए रहेंगे, आपको मैंने बताया कि ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो जो अंश है इन सब का लासा, यानी 15, 25, 45 का लासा निकाल लिए, 7/42, 7/42, 56 का मासा निकाल लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यही हमसे मासा पूछ लेता, क्या दोस्तों, मासा, तो अगर यही पे हम मासा कर दे तो कुछ नहीं करना है आपको, जहां आप लासा लिखे हैं जब आपसे मासा पूछ ले तो आप अंश का मासा निकाल के हर का लासा निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो यहां हो जाएगा अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। देखिए याद करने का एकदम सिंपल तरीका यही है, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग जब हम लोगों ने तैयारी किया था, जब जिस बैच में मैं तैयारी की थी उस समय जब मेरे सर हम लोगों को पढ़ाए थे, तो हम लोग यही तरीका याद किए थे कि जब भी हमसे लासा पूछेगा तो ध्यान रखना कि ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा, अगर यही कह दे कि हमसे हमको मासा बताई तो ऊपर वाले का मासा निकाल के नीचे वाले का लासा, हम लोगों ने ऐसे ही याद किया, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों जो बचा है हमारे इस चैप्टर में, एक प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं घंटी बत्ती, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जो ट्रैफिक व्रफिक के बारे में जो आता है ना, देखिए कई बार होता ये है कि इस, आप ध्यान दीजिए मैं बता रही हूँ कि जब आपसे घंटी बत्ती ट्रैफिक या फिर 3 लोग दौड़ना शुरू किए हैं इतने इतने समय अंतराल पे तो फिर कब साथ में आएंगे, ऐसा सो क्वेश्चन दे देता ना, तो जब ऐसा कुछ आए ना तो ऐसे में आप जब घंटी बत्ती ट्रैफिक व्रफिक वाली सवाल में आप तुरंत लासा निकालिएगा। जैसे दिया है कि 3 लोग दौड़ना शुरू करते हैं, पहला मान लीजिए किसी टाइम पे शुरू करता है, 10 मिनट बाद दूसरा और फिर 10 मिनट बाद तीसरा,
तो इन तीनों का जब ऐसे ऐसे सवाल आ जाए ना, बता फिर पूछेगा आपसे कि बताइए तीनों कब मिलेंगे एक साथ, तो तुरंत लासा निकाल लीजिए, जो लासा आएगा वही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए, अभी जब हम आपको इस प्रकार के सवाल बताएंगे ना, तब आपको समझ में, हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ वो आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब अभी हम आपको जब सवाल हल कराएंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, ये जो मासा था, ये जो लासा, आई मीन जो ये चैप्टर है लासा और मासा हमारा, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो यही थे। आपको लासा मासा निकालना आता है, मैंने बताया कि लासा मासा निकालने की दो विधियाँ होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि भिन्नों का लासा कैसे निकाले और भिन्नों का मासा कैसे निकाले, और जब घंटी बत्ती ट्रैफिक और रफिक वाले इन सब से क्वेश्चन पूछ लेना तो आप तुरंत उसका लासा निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो जब अभी आप जब इस प्रकार की घंटी बत्ती वाली सवाल आएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें करना क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल आइए अभी हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम अपनी प्रश्नावली हल करते हैं, वो प्रश्नावली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए हमारा पहला ही प्रश्न है कि प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। देखिए 100 कह रहा है कि प्रथम 100 कह रहा है, यानी कि दोस्तों 1 से लेके 100 तक प्रकृत बोल दिया है ना, तो प्रकृत में सम और विषम दोनों होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक जो संख्या होगी दोस्तों, उसमें ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभक्त हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप करिए कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ। देखिए हमसे जो कह रहा है कि 100 के बीच ना, 1 से लेकर 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो देखिए आप इसके लिए करेंगे क्या, 3 और 5, यानी दोस्तों हम 3 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगी, यानी वो संख्या किससे विभक्त होनी चाहिए, 15। तो अब देखिए सबसे पहले तो 15 ही होगा, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, यानी कितनी संख्या हो गई, 3 और 3 3 6, यानी दोस्तों कितनी संख्या होगी 1 से लेकर 100 तक जो 3 और 15 से विभक्त होगी, तो वो 6 संख्याएं हैं। बहुत सिंपल था, देखिए 3 और 15 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 15 से ही 15 का ही टेबल पढ़ लिया, और देखिए अब 90 के बाद जब हम पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा, हमसे 100 से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा था। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। करिए आप कुछ नहीं, लासा निकाल लीजिए बस। ऐसी संख्याओं में जब बोल देता है ना, इतने इतने से विभाज्य है, विभाज्य है, तो आप तुरंत उसका लासा निकालिए। देखिए हम निकालते हैं किसका किसका कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 इसका लासा निकालते हैं। देखिए मैं गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करूंगी लासा निकालने के लिए। पहले 2 से ही काट देते हैं। देखिए यहाँ 5 आएगा, 3 1 3, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 1 1 1 1, तो ये देखिए इसका, अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 5 15 15 14 60, यानी दोस्तों वो संख्या कौन सी है, 60 है। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिए 60 नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट। देखिए जब ऐसी संख्या कह दे कि बताइए 3 4 5, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या 3 4 5 6 से, मतलब पूछ ले कि मान लीजिए कोई एक संख्या, कौन सी ऐसी संख्या है जो इतने इतने अंकों से विभाज्य हो जाएगी ना, तो आप ये तो सबसे भाग दे के देख लीजिए, या तो आप तुरंत उसका लासा निकाल लीजिए, जो आएगा वही संख्या हमारी हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक 14 है, ठीक है, तो लघुत्तम, ओह माय गॉड, अभी तो मैंने आपको एक फार्मूला नहीं बताया, ठीक है, जो ये सवाल है वो उसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम आपको ये फार्मूला बताते हैं, फिर इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो फार्मूला है दोस्तों, आप लोग जहां तक मुझे उम्मीद है तो कईयों बच्चों, यानी बहुत से बच्चों ने तो ये बातें पढ़ी भी होंगी कि लासा मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल होता है दोस्तों पहली संख्या, मैं पहली संख्या को ऐसे लिखती हूँ, संख्या मान लीजिए कहाँ लिखी, जगह नहीं है ज़्यादा, ब्रेक प्लस दूस इंटू रहेगा, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को ऐसे लिख लेते हैं, फार्मूला शॉर्ट हो जाएगा। देखिए तो पहली संख्या गुड़े लासा गुड़े मासा इक्वल पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, एच सी एम इंटू एल सी एम बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। तो देखिए हमें कह रहा है कि संख्या 14 और 18, यानी दोस्तों दो संख्या दी हुई है, एक 14 है एक 18 है, यानी पहली दूसरी संख्या हमें मिली है। तो पहली संख्या हमारी 14, दूसरी संख्या हमारी 18। उसके बाद कह रहा है कि 14-18 का महत्तम समापवर्तक, देखिए दोस्तों एच सी एफ को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, एल सी एम को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो कई बार आपसे जब बोल देगा तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ब्रैकेट में एच सी एफ 14 है, यानी दोस्तों एच सी एफ कितना है 14 है। तो कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी हमें क्या बताना है, एल सी एम बताना है यानी लासा बताना, तो जो बताना है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाकी ये सब हमें दिया ही था। आप देखिए 14 से 14 कट गए, यहाँ क्या बचा, एलसीएम का जब एक में गुणा करेंगे तो एलसीएम ही मिलने वाला, और उधर 18 का एक में गुणा करेंगे तो 18, यानी दोस्तों एलसीएम क्या आ जाएगा 14 और 18 का 18 आ जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लासा मासा में प्रयोग करें। ध्यान रहे जो बातें जो चीज़ें हम आपको अभी बता रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे जब आप अंकगणित और बड़े होंगे, ठीक है, और जब आप और बड़े होंगे 9th 10th जब कभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो यही सब चीज़ें वहाँ भी आपको पढ़ने की, अगर अभी आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आगे आपको चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने भी शुरुआत इसी से की थी तब आज हमें ये सब आता है। यानी देखिए मैं अपनी स्टोरी अगर बताऊँ तो मैं पहले कुछ खास नहीं थी, मेरी मैथ कुछ खास नहीं थी, मेरे साथ और भी बच्चे थे जो हमसे अच्छी उनकी मैथ थी, लेकिन जब मैं अपने मतलब देखिए हम 2-3 कोचिंग किए थे, फिलहाल मैं जिस कोचिंग में पढ़ रही हूँ उसी कोचिंग की देन है कि हमें ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो शुरू हमने भी नवोदय की मतलब जब मैं आई थी तो पहला बैच हमारा नवोदय का पेपर देने वाला था, ठीक है, तो उसके बाद के बैच में हम लोग थे, तो हमने भी नवोदय की तैयारी ही की थी तभी आज मुझे इतना कुछ आता है और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हाँ ये हमने भी मेहनत किया, हमारे सर भी लगे, ठीक है। तो देखिए उसी की देन है कि आज हमें आ रहा है, अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होंगी तो आप बड़ी बड़ी सवालों को नहीं हल कर पाएंगे, कोई आपको गलत भी बताएगा तो आप मान लेंगे, अगर आपको सही सही बात पता है, अगर आपको पता है कि 2 × 2 = 4 होगा, ठीक है, और वो कुछ और भी कह के चला जा रहा है, यदि आपको नहीं पता है तो आप मान लोगे, हाँ क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, कुछ भी कह लो ना। तो ध्यान रहे अगर आपको बेसिक चीज़ें आएंगी तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा, और ये आप ही के लिए नहीं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सोचते हैं कि अभी हम क्या पढ़े, अभी तो हम 9 में हैं 10 में हैं, जब इंटर पास कर लेते हैं तो फिर इन सब चीज़ों में लौट के आते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये तो कक्षा 5 और 4 की चीज़ें हैं जो कि हमें कायदे से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आप फोकस करिए, अगर आप पास भी नहीं होते हैं तो ये आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आप देखिए, आई होप कि आपको ये 3rd नंबर क्वेश्चन था समझ में आ गया। 4th नंबर क्वेश्चन में 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, फिर देखिए 2, 3, 8, 10 कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था ना लासा निकाल लीजिए, देखिए किसका किसका कह रहा है कि 2, 3, 8, 10 हम इसका लासा निकालते हैं। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो जो 2 है 2 × 2 यहाँ ये नहीं कटेगा, ये कटेगा यहाँ 5 आएगा, ये कटेगा यहाँ 9 आएगा, ठीक है। अब मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ फिर 3, फिर मैं 3 से लेती हूँ, अब 5 ले जा दे, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 × 3 × 5 5 × 2 = 10 × 3 = 9 यानी दोस्तों कितना आएगा 90। 4 अंकों की कह रहा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, लासा कितना आ गया 90 आ गया ना। देखिए 4th नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, 2, 3, 8, 10 2, 3, 8 मैंने आपको बताया था, आप पहले इसका लासा निकालिए, पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर 2 से 1, 3, 2, 5 फिर 2 से ले चलते हैं 1, 3, 1, 5 फिर 3, 1, 1, 1, 5 इस बार 5, ये लासा हमारा
निकल आए। अब हम इन सब का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, देखिए 5 × 2 = 10 और उसके बाद 2 × 2 = 4 = 12 यानी 120। लासा कितना आ गया दोस्तों हमारा, 120 आ गया। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आंसर दे रहा है चौथी का तीसरा नंबर दे रहा है, तो आप करिएगा क्या कि पहले देखिए ये तो संख्या आ गई इसका हमें, लेकिन हमसे 4 अंकों की पूछ रहा है ना। ठीक है, 4 अंकों की पूछ रही है, तो हमारी 3 ही अंक की है, तो आप 120 से भाग दे के देखिए जो संख्या कट जाएगी वही हमारा होगा। तो यदि हम 10 80 में 120 से भाग दें तो 12 9 कट नहीं जाए, कट जाएगा ना, तो जो थर्ड नंबर आंसर होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में हमसे 4 अंक की बोला था, अन्यथा हमारा 120 ही आंसर हो जाता। गलत नहीं है ये, एकदम राइट है, बट हमसे 4 अंकों की पूछा था, तो आप 120 से भाग दे लीजिए, जो आए वही कर दीजिए। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो गया इस वजह से क्योंकि ये 3 अंक का है और तीसरा सही हो गया। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर की, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी दोस्तों मासा, इसे पहले इरेज करें, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 98154, यदि एक संख्या 55 58 है, आई मीन 15 1558 है, तो दूसरी संख्या जो मैंने फार्मूला लिखवाया था एलसीएम गुड़े एचसीएफ इक्वल पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, यही का प्रयोग इसमें होगा। देखिए दिया है कि लासा दिया है, मासा दिया, एक संख्या दिया है दूसरी नहीं पता है, हमें दिया है एलसीएम दिया है 98154, ये दिया है 38, पहली संख्या दिया है 1558, कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, पछांतर करेंगे घोड़े में है इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, जब आप पछांतर करेंगे तो ये गुड़े में धरा के भाग में, जब आप इसको काटे ओटेंगे एकदम चकाचक करेंगे तो आएगा इसका आंसर 2394। देखिए जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वही हमारा आएगा, ठीक है आप इसे काट लेंगे, आई होप आपको काटना आएगा ही। अब देखिए छठी नंबर सवाल में सीधे सीधे कह रहा है कि 128 288 तथा 160 का मासा बताइए, ठीक है, तो आई होप कि आप मासा निकाल ही लेंगे, पर मैं एक ठू बता दूं शायद अभी कुछ लोगों को मासा ही निकालना ना आता हो। देखिए छठी नंबर सवाल में 128, 288, 160 का हमसे मासा पूछा है, तो मैंने आपको बताया था मासा निकालने की भी दो विधियां हैं, पहली तो भाग विधि है, दूसरी गुणनखंड विधि, तो मैं किसका प्रयोग करूंगी, भाग विधि का प्रयोग करती हूँ। तो देखिए जो भाग विधि का प्रयोग करने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, सबसे छोटी 128, उसके बाद इससे बड़ी 160, चलिए भाग देते हैं एक ही बार जाएगा, घटाएंगे तो देखिए 10 में इधर से हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, बचा यहाँ 5, 5 में से 2 जाएगा 3, इधर कुछ नहीं बचा। अब ये जो संख्या यहाँ पे क्या थी, संख्या जो यहाँ भाजक के रूप थी, अब यहाँ भाज्य का काम करेगी, अब चलिए देखते हैं कटता है 4 4 4 से अगर हम गुणा कर दे तो 4 × 8 = 12 यानी पूरा कट जाएगा। अब इसी 32 से अभी एक संख्या हमारी छूट रही है 288, अब 32 से 288 में भाग देंगे, कितनी बार ले चले, 9 बार ले चलते हैं, तो देखिए 9 × 2 = 18 हासिल लगे 1, 9 × 2 = 27 1 = 28 पूरा कट जाएगा दोस्तों, यानी जो हमारा क्या आएगा मासा आएगा वो क्या होगा 32 होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो हमारा मासा आएगा वो क्या होगा 32। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो साया भाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा बताइए। देखिए जो सहभाज्य संख्या है उनका गुणनफल कितना है 117 है, तो उसका लासा पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहभाज्य संख्या कहते किसे हैं ना, तो मैंने आपको बताया था सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं का मासा क्या होता है एक होता है, तो यहाँ पे इनका गुणनफल क्या दिया 117 दिया है, तो दोस्तों इसका लासा यदि मैं निकालूँ 117 का आप लासा निकालेंगे तो आपको भली भांति पता है कि 117 अभाज्य संख्या है जो कि केवल 117 और 1 से कटने वाली है, तो इसका लासा भी हम निकालेंगे तो 117 ही आने वाला है। चलिए अगली सवाल हमारी आठवीं नंबर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात प्राप्त
संख्या प्राप्त कीजिए, जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचे। देखिए इस प्रकार के सवालों में जब हमसे कह दे कि वह बड़ी, देखिए हम फिर बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, लासा होता है, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, मासा होता है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो आप लासा निकालिएगा, जब छोटी से छोटी संख्या कह दे, सॉरी गलत हो गया, जब बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो मासा निकालेंगे, और जब वो छोटी से छोटी संख्या कह दे तो लासा निकालेंगे। यहाँ हमसे बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था, वो भी वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 1277 और 1368 से भाग दे तो रिमाइंडर 3 है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमसे बोल दें कि रिमाइंडर 3 आए, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी बताइए ना, तो देखिए पहले इसे इरेज करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या दिया था, 1277 1368 ठीक है, 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो एक काम कर लीजिए, रिमाइंडर किसी भी संख्या में भाग देने से इनसे रिमाइंडर 3 आना चाहिए ना, तो आप एक काम करिए पहले इन दोनों संख्याओं में 3 घटा दीजिए फिर इन्हीं का मासा निकाल लीजिए। तो इन 3 जब आपसे बोल दे शेष फल बच रहा है तो तुरंत घटा दीजिए, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या में, यानी मासा निकालते वक्त ऐसा करिए उसमें हम 3 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1274, यहाँ आएगा 1365। जब आप इसका मासा निकालेंगे दोस्तों तो हमें राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो इसका मासा आएगा ठीक है उसी से यदि आप 1277 और 1368 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको 3 बच जाए, क्योंकि हम लोगों ने 3 घटा के इसमें तब इसका मासा निकाला था। आई होप कि आप मासा निकाल लेंगे ठीक है। देखिए हम जो आधी आधी पर सवाल छोड़ देने जैसे आप मासा निकाल लीजिए, ये सब छोटी छोटी सवाल हैं जो कि आप कर सकते हैं ठीक है। और देखिए अगर मैं सभी सवाल बताने लगूँ, अगर छोटी छोटी संख्याओं का लासा मासा गुणा भाग बताने लगूँ आप लोगों को तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और आपको भली भांति पता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम की बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं खींचातानी है टाइम, मतलब कि हमारा अप्रैल में पेपर भी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन भी करना है, तो आप ये सवाल खुद ही हल कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं ठीक है। क्योंकि अगर आपको गुणा भाग जोड़ घटाना लासा मासा तो आता ही होगा ठीक है, तो आप इसका मासा खुद ही निकाल लीजिए और देख लीजिए, आपके बुक में 4 ऑप्शन दिए हैं, जो होगा आप राइट आंसर देख लीजिए। अब देखिए 9वें नंबर सवाल में कह रहा है कि 114 तथा 95 का लासा, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अगर मैं इतनी छोटी छोटी सवालें बताऊंगी तो आगे की सवालें नहीं हो पाएंगी, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे भी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जहाँ मैं सोचूंगी कि एक वीडियो में ख़त्म हो जाए वो मुझे 2-3 वीडियो करने पड़ेंगे, तो ऐसे में आपको तो दिक्कत होगी मुझे भी हो जाएगी ना, तो इस वजह से जो छोटी छोटी सवाल है वो मैं छोड़ दे रही हूँ। जैसे कि इसमें कह रहा था कि 114 और 95 का लासा, इसे आप निकाल सकते हैं ठीक है। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेष पर क्रमशः 4 और 3 बचता। अभी जो मैंने सवाल बताई ना, कह रहा है बड़ी से बड़ी, पहली बात तो हमें मासा निकालना, मैंने अभी बताया जब आपसे बड़ी से बड़ी कह दे तो मासा, छोटी से छोटी कह दे तो लासा, बड़ी से बड़ी कह रहा है तो आप करिएगा क्या, पहली संख्या में 4, क्योंकि देखिए क्रमशः का मतलब होता है कि जो संख्या पहले आई है और क्रमशः के बाद जो पहले आई है वो उसके लिए है ठीक है। तो पहले संख्या 280 आई और क्रमशः के बाद संख्या 4 आई है, तो 280 में 4 घटाइए और 1245 में 3 घटाइए ठीक है, घटा लीजिए जो आए इन दोनों का आप मासा निकाल लीजिए, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में हमसे कह रहा, अब देखिए अभी जो मैंने घंटी बत्ती ट्रैफिक व्रैफिक 3 लोग दौड़ रहे हैं ये सब बताया था ना, उस प्रकार की सवाल है, तो इसे हम मिटा के आपको बताते हैं। देखिए 11 नंबर, हाँ, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, यदि वो प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी। तो मैंने बताया था घंटी बत्ती वाली सवाल में सबसे पहले आप लासा निकालिए, जो 12, 15, 18 दिया आप इसका लासा निकालिए, 12, 15, 18 आप इसका लासा निकालते हैं। चलिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 6, यहाँ 15, 15 2 से नहीं कटने वाला, यहाँ आएगा 9, अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 3, 15, 9, अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 9 = 3, 3 + 15, 3 × 3 = 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1, 5, 1, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 1, 1, 3। अब इसका यदि हम गुणा कर ले तो यही कर लेते हैं, क्या लिखे, देखिए 5 × 10, 3 × 3 = 9, 9 × 18 यानी आएगा दोस्तों लासा इसका 180।
ये 180, देखिए जो ये 12, 15, 18 थे ये मिनट था, यानी जो है ये क्या हो गया, मिनट आ गया। मिनट को घंटे में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 60 से भाग, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ हम 60 से भाग देते हैं। तो यानी दोस्तों कितना घंटा आया, 3 घंटा। कितना आया, 3 घंटा। ये लोग 9 बजे सुबह 7 में बजी थी, ये तीनों घंटी 9 बजे 7 में बजी थी। तो यानी अब जो 9 बजे के बाद जो 3 घंटा बाद जो आएगा वो फिर ये तीनों घंटियाँ 7 में बजेंगी। तो 9 में 3 घंटा जोड़िए, 9 3 क्या होता है 12, यानी 12 बजे ये घंटियाँ फिर एक साथ बजने वाली हैं। तो देखिए 12 बजे दोपहर आपका 3rd नंबर ऑप्शन, हाँ एकदम राइट है। चलिए बात करते हैं 12वीं नंबर सवाल की। बात छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मैंने आपको इस प्रकार की दो दो सवालें बताई, जब कह दे छोटी से छोटी संख्या तो आप लासा निकालिए। पूर्णतः विभाज्य होने की बात कर रहा है, वो भी 42, 98, 70 से आप लासा निकाल लीजिए, जो आए वही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 13 नंबर की, पढ़े कि ना पढ़े ये भी नहीं समझ में आ रहा, मासा निकालना है, डायरेक्ट कह रहा है, चलिए छोड़ते हैं। अब बात करते हैं 14 नंबर सवाल की, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जब कई बार हमसे कह देता है अधिकतम, बड़ी से बड़ी, ऐसी बार जब ऐसी कुछ घटना आ जाए तो हमेशा आप मासा ही निकालिएगा। क्या करिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, आप चाहे जो चाहे जहां भी हो, जरूरी नहीं कि वो नवोदय का ही पेपर हो, चाहे जहां भी, जब अधिकतम बोल दे, बड़ी से बड़ी बोल दे, तो ऐसी संख्याओं का आप हमेशा क्या करेंगे, मासा निकालें। जब न्यूनतम बोल दे या फिर छोटी से छोटी बोल दे, तो ऐसी संख्या का आप क्या करेंगे, लासा निकालेंगे हमेशा। और ये जो ये मैं आपको इसलिए बता रहे हैं, ये जो भाटिया वाला क्वेश्चन है इसमें लास्ट में पूछा कि अधिकतम कितने विद्यार्थी, यानी मासा निकालना है। तो दो संख्या इसमें दिया, एक 75 दिया है, एक 60 दिया है। पेंसिल रबड़ मिट्टा कटर बांट रही है ये अपने क्लास में, हमसे पूछ रहे हैं बताओ मेरे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो हम भी होशियार हैं, तुरंत इसका लासा निकाल के बता देंगे। हमसे अधिकतम बोले ना, तो मैंने अभी जस्ट बताया, जब अधिकतम बोले तो मैं क्या करूंगी, मासा निकालूंगी। क्या करूंगी, मासा। तो एक 75, दूसरा 60, मैंने आपको बताया था अगर भाग भी द्वारा मासा निकालिए तो 60 को यहाँ रखिए, फिर उससे बड़ी संख्या में उसे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 60 से जब भाग देते हैं तो इसमें क्या आता, 15 आता है। अब 15 अब ये यहाँ जो भाजक है वो यहाँ क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, 15 चौके 60। यानी दोस्तों पूरा पूरा कट गया, अब कोई संख्या भी नहीं है, तो ये जो 15 है यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। यानी उनके भी उनके कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 15 विद्यार्थी, किसके, श्रीमती भाटिया के। ठीक है, तो आप इस प्रकार के सवालों का ध्यान रखिएगा। अब कह रही है जो 14 नंबर सवाल है वो ये कह रहा है कि कहाँ 15 नंबर है, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाज्य हो जाए। मैंने आपको अभी अभी बताया छोटी से छोटी संख्या मतलब लासा, 15, 30 और 15, 30, 25 की बात करें, लासा निकाल लीजिए तीनों का, जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर घंटी बत्ती वाले सवाल कह रहा है कि तीन ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं, एक साथ वो प्रातः 6:10 बजे चमकती हैं, इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो 10, 15, 20 इसका आप क्या करिए, पहले लासा निकाल लीजिए, लासा निकालने के बाद उसे आप घंटे में चेंज कर लीजिए, घंटे में चेंज करने के बाद जो टाइम दिया है उसमें आप जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या क्या है, पहले देखते हैं 10, 15, 20, तो देखिए 10, 15, 20, चलिए 2 5 10, यहाँ आ गया 15, यहाँ आएगा 10, फिर से फिर यहाँ 5 आएगा, अब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 15, 5 × 15 = 5, अब 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1, तो देखिए 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, यानी दोस्तों जो आने वाला है ये क्या है, 60 है। तो अब बताइए जब 60 मिनट में कई घंटा है, 1 घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा। तो अब बताइए ये 6:10 पे एक साथ चमक रही थी, यानी 1 घंटे बाद ये फिर एक साथ चमकेगी। तो अब बताइए 6:10 अभी हो रहे हैं, 1 घंटे बाद क्या 6:50 हो जाएगा, नहीं 6:10 अभी हो रहे हैं, अगर हम 1 घंटा इसमें बढ़ाएं तो क्या हो जाएगी, 7:10।
तो यानी दोस्तों ये 7:10 में पुनः एक साथ फिर से चमकेंगी। अब देखिए 17 सवाल में वो आ तो गई जिसका हमें इंतजार था, कह रहा है 2/7 तथा 4/17 का मासा है, आ गई भिन्नो वाली सवाल। चलिए हर मंत्र है, फूक देंगे सब हट जाएगा यहाँ से। अब भिन्नो का लासा मासा निकालना मैंने आपको अच्छी तरीके से शुरू शुरू के वीडियो में ही बताया था। कह रहा है कि 2/7, 4/17 का मासा, बताइए याद करिए। मैंने शुरू शुरू में भिन्नो का मासा का फॉर्मूला लिखवाया था कि अंशों का मासा ना, तो अंश जो है ये 2 और 4 है, इसका मासा निकाल लेते हैं। इस बार मैं मासा वैसे निकालूंगी, अरे वैसे ही करते हैं। देखिए 2 × 4 ये पूरा पूरा पट गया, कट गया, कुछ और है भी नहीं, तो यानी यहाँ 10, 2 आ गया मासा हमारा, आ गया 2। और हर का क्या निकालेंगे हम, लासा निकालेंगे क्योंकि हमें मासा निकालना। तो देखिए आप बताइए ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य क्या निकाले, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 17 × 7 = 119, यानी 2/19 हमारा आ गया मासा। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन में 4th इज अ करेक्ट। अब बात करते हैं 18 सवाल की, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकेट में उपलब्ध हैं, यदि मुझे दोनों ब्रांड की एक समान संख्या में चॉकलेटें लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम, फिर आ गई वही बात, कम से कम, छोटी से छोटी, न्यूनतम, सबका हम क्या करेंगे, लासा लासा। ठीक है, ध्यान रखिए अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, अधिकतम, इन सब का मासा निकालेंगे, और जब कम से कम कह दे, न्यूनतम कह दे, छोटी से छोटी कह दे, तो इन सब का आप लासा निकाल लीजिए। तो देखिए 10 और 12 का हम लासा निकाल लेते हैं क्योंकि हमसे छोटी से छोटी संख्या बोला, तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 2 = 6, अब फिर 3 × 1 5 ही बचेगा, 3, 1, फिर 5 से, तो 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, यानी दोस्तों क्या आने वाला है, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा, लेकिन ध्यान रहे 60 आंसर हमें दे नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, कह रहा है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकेट में है, किसके पैकेट में है, 10 व 12 के पैकेज में है ना, तो हम करेंगे क्या इसके लिए, तो देखिए अब हम लोगों ने लासा निकाल, देखिए जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था वो हम लोगों ने किया, बट ध्यान रहे जो क्वेश्चन कह रहा था वो तो हमने कर लिया, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए हमें जब हम लोगों ने तैयारी किया था, हमारे सर भी इस पर बहुत ही ज़्यादा बहस किए थे, इस प्रश्न में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है, बट आई डोंट नो गड़बड़ क्या है। ठीक है, लेकिन देखिए शुरू शुरू में कह रहा है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है, यदि दोनों ब्रांड के एक समान संख्या लेनी है। ठीक है, आप चाहे 10 वाली लीजिए चाहे 12 वाली, लेकिन दोनों एक समान लेनी, तो अगर आप इसको ऑप्शन अनुसार देख ले, तो पहला ऑप्शन 10 के 2 व 12 के 2, दोनों ब्रांड के हमें समान चाहिए थे, 10 के भी 2 लेंगे, 12 को भी 2, तो यही हमारा राइट होगा। लेकिन ध्यान रहे जो निकाला गया है ये शायद गलत है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सवाल अगर आप भी होते और आप ये क्वेश्चन पढ़ते, तो अगर आपको आंसर ना पता हो, ठीक है, तो आप करते यही, कम से कम कह रहे भाई हम तो लासा निकाल लेंगे ना, तो मैंने भी वही किया, बट शायद इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो बस आप ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि एक पहले क्वेश्चन में लाइन कह दिया था कि समान, ठीक है, समान पैकेट चाहिए, तो आप चाहे 10 की लीजिए चाहे 12 की, आपको दोनों समान चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन है जिसमें दोनों के पैकेट समान है, बाकी और किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये 60 वोट आई डोंट नो सही है कि गलत है, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, दुनिया का कोई भी टीचर हो उसे हर चीज़ की जानकारी नहीं होती, आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि अब कोई रावण तो हो नहीं गया है कि सर्वगुण संपन्न सर्वज्ञानी हो जाए। ठीक है, तो अब पता नहीं ये सवाल सही है कि गलत, बट हम लोगों ने भी ऐसे ही हल किया था, और अक्सर हम लोग यही काम किया करते थे, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ रटते नहीं थे, समझते थे, तो हम लोगों ने ये समझा था कि जब कम से कम बोल दे, न्यूनतम बोल दे, छोटे छोटे बोल दे, तो लासा निकालेंगे। किया मैंने वहाँ, यहाँ भी वही, लेकिन गलत हो गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, अगर आपके अगल बगल हो कोई तो थोड़ा उसे संपर्क करके देखिए क्या आता है। आगे सवाल बढ़ते हैं 19 में, कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4, 8, 12 का हम लासा निकाल लेते हैं, अगर 3 अंक की आई तो ठीक, अन्यथा उसी से चारों ऑप्शन में भाग दे के देख लेंगे, जो कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 4, 8, 12 छोटी से छोटी बोला, इस वजह से लासा निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा 18 सवाल के लिए, आप ये कॉन्सेप्ट मत बदलिएगा कि छोटी से छोटी संख्या
कम से कम संख्या बोले तो आप मासा निकाले, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये देखिए जो 28 नंबर सवाल, इसमें आई डोंट नो बट पता नहीं क्यों मासा निकाल रहा है। मासा निकालने के लिए कोई पॉइंट तो देता वो, ना अधिक से अधिक बोला और ना तो बड़ी से बड़ी बोला, तो हम कहाँ से निकाल लेते। तो इस वजह से आई डोंट नो, आप थोड़ा इसे मतलब अगर आपके नज़दीक में कोई टीचर हो आपके, आई मीन आजकल के तो मम्मी पापा वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट रहते हैं, तो आप थोड़ा दिखाइए समझिए क्या बात है। बट मेरे तो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अपने इस सवाल पे आते हैं, चलिए छोड़िए उसे, इसका हमें लासा निकालना है ना। तो यहाँ दो आएगा, इसे काटेंगे तो यहाँ चार आएगा, यहाँ छः आएगा, फिर यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, फिर दो से काटते हैं तो दो एक नम दो, यही नहीं कटेगा तीन, अब तीन से काटते हैं। तो देखिए तीन दूना छः और दो दूना चार, छः चौक चौबीस, यानी दोस्तों इसका लासा क्या आ गया, चौबीस। लेकिन हमसे तीन अंकों की पूछा है, किसकी पूछा है तो तीन अंकों की कह रहा है, वो भी छोटी से छोटी संख्या। तो चारों ऑप्शन में आप भाग दे के देख लीजिए कौन सी कटेगी। देखिए जो दूसरी और जो तीसरा नंबर ऑप्शन है ये दोनों चौबीस से कट जाएंगे, लेकिन छोटी से छोटी बोला है वो भी तीन अंकों की। तो आप बताइए 120 छोटा है कि 240, 120 छोटा है ना, तो यही वाला आप आंसर टिक करिएगा। अब देखिए 20वें नंबर सवाल में कह रहा है कि तीन गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी हों तो अगली दफा या फिर बार कब 7 बजेंगी। फिर वही क्वेश्चन, घंटी बत्ती, घंटी बत्ती, लासा निकालेंगे लासा। क्या था 10, 12, 15, दो से काटते हैं यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 15, फिर दो से काटते हैं यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 15 ही रहेगा, तीन से काटते हैं यहाँ 5, 3 कलम 3, 3 से 15, 5 से काटते हैं 5 कलम 5, 1 1, देखिए 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, यानी दोस्तों क्या आएगा 60 आएगा, यानी 60 मिनट बोला है, हाँ बोला है, तो 60 मिनट यानी एक घंटा, यानी 9:30 बजे, 8:30 बजे ये 7 बजे थी, तो देखिए 60 मिनट कह दिए। आप जब इसमें जोड़ेंगे तो अगर मैं घंटे घंटे में नहीं बदल रही हूँ, ठीक है, ये 60 मिनट ही इसमें जोड़ दिया, तो आप बताइए 8:90 तो होता नहीं है ना, 60 मिनट होता तो तीन इधर जब, तो इसमें से हम 1:60 निकाल देंगे तो वो घंटे में, यानी 9:30 हमारा एकदम सही। चाहे आप यहाँ बदल लीजिए, चाहे आप कहाँ बदल लीजिए, एज यू विशन, एज यू लाइक, जो आपको पसंद आए, जो आपके लिए सिंपल हो, ठीक है। तो देखिए मैंने एलसीएम और एचसीएफ की 20 सवाल है इस चैप्टर में, दरअसल बात 41 सवाल हैं, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक वीडियो में हम कंप्लीट कर पाएंगे, इस वजह से इसके हम दो वीडियो कर देंगे, ठीक है, पार्ट वन कर देंगे और पार्ट टू कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 सवाल बता दी हैं, तो आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आप इसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करिए। और रही बात 18वीं नंबर सवाल की, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, बट जब मैंने तैयारी की थी तो बहस चली थी, ऐसी बात नहीं है, इस सवाल पे बहुत ही ज़्यादा बहस हुई थी, बट इसका कोई निष्कर्ष हम लोग निकाल नहीं पाए थे, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे तो आप यही करेंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है अभी हम लोग को उतनी ज़्यादा जानकारी ना हो, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा बड़े तो हो गए नहीं है, 30, 40, 50 साल की सारी पढ़ाई कंप्लीट करी, अभी मैं भी पढ़ ही रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पढ़े मुताबिक तो जो सवाल बोला था मैंने वही हल किया, लेकिन उत्तर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए एक ही तो सवाल थी, उसे छोड़िए बाकियों पे फोकस करिए, ठीक है। आप क्या ज़रूरी है क्या कि वही पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बाकियों जो मैंने और भी 19 सवालें बताई हैं उस पे फोकस करिए, उसको देखिए, ठीक है। आप किसी चीज़ में आपके अंदर जो होगी आप किसी भी इंसान के अंदर भी वही देखेंगे, अगर आपके अंदर भी बुराई है तो आप अगले शख्स के अंदर भी बुराई ही खोजेंगे, ठीक है। तो आप उसे छोड़िए, बाकी सवाल पे फोकस करिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ इतना बड़ा वाइट बोर्ड है, इसे मैं इरेज करती हूँ, थोड़ा सा पूरा मिटाते हैं। आप बताइए इतना बड़ा वाइट बोर्ड है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन एकदम साफ साफ, अगर मैं यहाँ पे अभी एक बिंदु रख दूँ तो आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नहीं दिखे, मैं कहूँगी इस पर क्या है तो कहोगे बस ब्लैक ब्लैक एक बिंदु है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या आपको इतना बड़ा बड़ा वाइट स्पेस नहीं दिख रहा है। तो कई बार ना एक बुराइयां ही सब कुछ खराब कर देती हैं, लेकिन वो लोग पागल होते हैं,
ठीक है। तो देखिए ये एक छोटा सा बिंदु था, बाकी स्पेस तो बाकी जगह तो अच्छा ही अच्छाइयाँ थी ना, तो आप उस पर फोकस करिए और इसे हटाइए, इसे आप हटा देंगे तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बाकियों पे फोकस की जाए। तो आप बाकी सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आपकी मैथ समाप्त कर दूँ, ताकि आपको भी टाइम मिल जाए, मुझे भी टाइम मिल जाए। अगर मैं जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूँगी तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट के या फिर और भी किसी किताब से लेके आऊँगी, आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ताकि आपका पेपर जो पेपर देने जाओ उसमें आप पास हो जाओ, ठीक है, और आप भी जाओ ना वो दे। तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द ही इसे समाप्त करूं और आप लोगों को और भी सवाले, मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में वो सवाले आप लोगों को दूं। तो बस आपसे मेरी इतनी ही गुजारिश है कि आप मेहनत करिए, ठीक है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है जो मैं इतना बोल रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे बस इतना है कि आप मेहनत करिए, और मेहनत और लगन की वजह से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो देखिए मैं भी एक गांव से ही हूँ, ठीक है। तो मैं जब अपनी कोचिंग में आई थी तो मुझे नवोदय के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं थी, बस इतना जानती थी नवोदय के बारे में कि एक ऐसी संस्था है जो फ्री में शिक्षा देती, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। जब मैं इस कोचिंग में आई, हमारी कोचिंग का नाम नवोदय क्लासेस है, ठीक है, इस्लाम से हमारे सर का चैनल चल रहा है फिलहाल, अभी तो चल रहा है। मैं आपको जल्दी ही उस चैनल की भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, अभी उस चैनल पे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उस चैनल के उस हमारी कोचिंग के नाम से हमारे सर का चैनल अभी उनके फिलहाल मोबाइल में है, ठीक है। तो देखिए जब मैं इस कोचिंग में आई थी तो मेरे सर का नाम सतवंत कुमार है, आप मेरे कई वीडियो में देखे होंगे, ऊपर ऐसे लिखा रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया, जब मैं आई थी ना तो मेरे सर का वो पहला बैच था, क्योंकि मेरे सर भी नवोदय से ही पढ़ के आए थे ना, तो वो पहला बैच था। तो 8 जनवरी का उन लोगों का पेपर था और मैं नवंबर में आई थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी नवोदय जाना है। तो मैंने अपने मम्मी से सर जी को बात कराई थी, तो फिर सर जी बोले ठीक है। तो उसके यानी दूसरे बैच अपने सर जी का हम ही लोग थे, क्योंकि मेरे सर पहला बैच वो हमसे पहले जो दी लोग तैयारी की थी वो थी, और दूसरा बैच में हम लोग खुद ही थे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, धीरे धीरे मतलब उस चीज़ के लिए पता नहीं क्या नवोदय के लिए ऐसा कुछ हो गया था कि बस जाना है। दिन रात मेहनत की और सफलता कदम चूमी, आखिरकार पास हो गए। लेकिन फिर जब बात जाने की आई तो मेडिकल वेडिकल था इतने में, देखिए हम लोग गांव से हैं और फिर उतना हमारी मम्मी ज़्यादा दौड़ धूप नहीं पाई, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। बट मेरा भाई अभी भी नवोदय में पढ़ता है, मेरे बाद वो तैयारी किया था, इस साल वो 7th में है, अगली बार 8th में जाएगा। और भी मेरी कोचिंग के बहुत से बच्चे, मेरे साथ वाले भी बच्चे वहीं पढ़ते हैं, और मेरे ग्रुप में जो मेरे साथ जो तैयारी किए थे, मैं तो नहीं गई, मेरी जगह पे और भी बहुत से बच्चे गए हैं, लड़के भी गए हैं, लड़कियां भी यहाँ यहाँ तक मेजा ही नहीं प्रतापगढ़ में भी गए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पक्का यकीन दिलाती हूँ कि मैं एकाध वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें आपको मैं उन सभी लोगों से मिलवाऊँ जो मेरे इस कोचिंग से, मेरे सतवंत सर जी की वजह से ही वो लोग नवोदय पहुँचे। और हाँ, मैं खुद कह रही हूँ कि आज अगर मैं आपको यहाँ इतना बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये भी मेरे सर जी की ही देन है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सी कोचिंगें की थी, बट मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला जो इन सर के से समझा सके, समझ सके। देखिए पहले ना मैं बहुत कमज़ोर थी, मुझे कुछ नहीं पता, मारपीट में ज़्यादा आगे थे, लेकिन यहाँ जब आए तो इन सर ने हमारे अंदर की काबिलियत को देखा। वो कहते हैं ना कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, मेरे अंदर भी थी, ठीक है। तो इन सर ने पहचाना, मुझे इतना अच्छा बनाया, तो इन्हीं की देन है, और इन्हीं की वजह से आज भी बहुत से बच्चे नवोदय पहुँच रहे हैं, इस साल भी बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगले साल भी करेंगे। तो मैं आपको ना पेपर होने से पहले उन बच्चों से जरूर मिलवाऊंगी जो इस बार नवोदय का पेपर देंगे, ठीक है। और उन नवोदय की अभी तो फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से नवोदय वालों की छुट्टी चल रही है, तो वहाँ के बच्चे जो पढ़ते थे वो वापस आए हुए हैं, तो उन लोगों के जाने से पहले उन लोगों से भी एक बार आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। मुझसे तो आप मिल ही रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं, मैं तो गई नहीं थी, बस मैंने पास किया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए कि आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो मेरे सर और नवोदय की वजह से। मैं गई नहीं, वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मैंने तैयारी की उसने मुझे बहुत कुछ सीख दिया, और इस कोचिंग यानी नवोदय क्लासेस और मेरे सर सतवंत कुमार की वजह से आज इतना कुछ संभव हो पाया है। और आप भी मेहनत करिए, हमें यकीन है कि आप भी कर लेंगे, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी क्लास करिए, आप ऑफलाइन तो कर ही रहे होंगे, आपके सर आपको पढ़ाने तो आ ही रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है, तो आप दोनों तरफ देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही कहूँगी, आज ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, बस आप मेहनत करिए, जितना हो सके दिन रात एक कर दीजिए, रात में उठ के पढ़िए, पक्का सफल होंगे, मुझे यकीन है। अभी मिलते हैं, फिलहाल चलते हैं अगले वीडियो में।